अधिक घनीभूत होउछि दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्ट होइतबा घूर्णिबलय यार प्रभाव में किछ घंटा भितर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार आशंका रहिछि। 9 तारीख बेलकु लघुचाप अधिक घनीभूत होइ दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अवपात रूप नेब। परे अवपातटी आहुरी घनीभूत होबा सह बात्यार रूप नेब। उत्तर दिगरे गति करि केन्द्रीय बंगोपसागर मुहां हेबो बोली भारतीय पाणिपाग विभाग पक्षरु कहायैछि। सृष्टि होइतबा सिस्टम उपरे पाणिपाग विभाग नियमित नजर रखिथिबा बेले बात्यार तीव्रता गतिपथ एवं यह क्यों दिग दे गति कर लघुचाप सृष्टि करने स्पष्ट होएमडी पक्षर कहुई। संभाव्य बात्या लघुचाप को दृष्टि रखि आज दक्षिण पूर्व बंगोपसगर संलग्न केन्द्रीय बंगोपसगर आंडामान सगर मध्य मत्स्यजीवी को जीवाक बारण कर उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। गजपति के गोसानी में सबसे अधिक 36 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर तो मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ एक दो स्थान पर बढ़ रहा है, कुछ पे नीचे भी गिर रहा है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बोध का 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर का 35.7 और कटक का 37.2 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व किया गया। तो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर डे टेम्परेचर अगले 3 दिन तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। उसके बाद इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। भुवनेश्वर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।